जो कुर्सी आ गई थी ना सर थोड़ा सा अगर इच्छा हो तो लगा भी सकते हैं। सर का आज बर्थडे था पिछले कल, तो आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और सर हमारे लिए एक रोल मॉडल है जो हमें इतनी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है इसकी फर्स्ट टाइम चंबा में, तो सर का हम सभी स्टूडेंट दिल से थैंक्स करते हैं कि ये सर अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि चंबा में हमें फर्स्ट टाइम भी आगे इसकी कोचिंग मिल रही है, तो सर थैंक यू सभी को। नमस्कार, हम आज चंबा के SDM सर श्री शिवम प्रताप सर, उनका जन्मदिन है, भले ही वो पहले हो चुका है लेकिन फिर भी हम उनको एक बधाई के तौर पे भी और सबसे बड़ा एक शुक्रिया अदा के तौर पे भी कि हम चंबा के बच्चों को जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती उन्होंने इतना ज्यादा हमारे लिए किया, फ्री बुक्स, फ्री कोचिंग और वो भी दिल्ली इंस्टीट्यूट के जो बहुत कॉस्टली मिलती है, तो उसके लिए एक हमारा छोटा सा गिफ्ट केक कटिंग था और थैंक यू हमने कहा सर को, अब इतना ही कर सकते हैं, बाकी फिर जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे सबसे बड़ा गिफ्ट उनके लिए वही रहेगा। सो थैंक यू। देखिए मतलब मैं अपने लेवल पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए, क्योंकि क्या होता है कि देखो आप लोग आओ ना आओ मेरी सैलरी उतनी आती है, बट ये सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि हम कमाते हैं कि पद पे तो सब बैठते हैं, है ना, लेकिन उसकी गरिमा को बढ़ाना सही है और उसकी आपको दी हुई शक्तियों का सही प्रयोग करना, सिर्फ यही एक अंतर है ना। शक्ति श्री राम पे भी थी, शक्ति रावण पे भी थी, रावण जो थे ही बस सबसे बड़े ब्राह्मण थे, तो शक्तियों का सही इस्तेमाल होना वो बड़ा जरूरी है। तो मैं सही में तहे दिल आपसे आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और मुझे इतना सम्मान दिया। बाकी मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप एक जीवन के ऐसे फेज में कि अगर आप नोटिस करो तो जीवन में 15 से लेकर 25 साल का एक ऐसा फेज होता है कि इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं लाइफ में, वो इस सेंस में होते हैं कि आपके आसपास की चीज़ें इस तरीके से होती हैं, सही है, आप बड़े हो रहे होते हो, आप में एनर्जी बहुत होती है, ठीक, आपको ये लगता है कि आप दुनिया जीत लेंगे और उस जुनून के साथ आदमी को होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि 15 से 25 साल ही जीवन की एक ऐसी उम्र है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, ये एक ऐसी उम्र है जिसमें आप इतना करोगे तो आपको इतना मिल सकता है, लेकिन ये वाली ट्रेन या बस अगर छूट गई तो 25 साल के बाद अगर आप कुछ करते हैं तो आप इतना करोगे ना तो इतना भी नहीं मिलता। तो हमें क्या कोशिश करनी है, देखिए जिंदगी के दो तरीके हो सकते हैं कि आप 25 साल तक थोड़ा सा अपनी टेंशन झेलो और बाद के 35 साल अपने सिक्योर कर लो, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 25 साल तक मजे करो, इंस्टा फेसबुक सब आपके लिए ओपन है, ठीक है, लेकिन उसके बाद सिर्फ आप इस चीज के लिए टक्कर खाते रहोगे कि मैं सेटल हो जाऊं, सही है, फिर आपने हमसे कहना है साहब नौकरी लगा दो, ये करा दो, वो करा दो, है ना। तो हमें अपने पांव पे खड़ा होना है और जिंदगी में एक बात मान के चलना कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, है ना। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं तो बहुत आप कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिंदगी में कितने इंटेलिजेंट हो, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, सही है, परिश्रम जो है परिश्रम जीवन की सफलता की कुंजी है। और दूसरी बात है, मेरा तो एक और बात है कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, जुनून किस लेवल का, जुनून होना चाहिए पागलपन के लेवल का, ठीक, सफलता उसको मिलती है जो जिसके अंदर पागलपन होता है कुछ करने का, कुछ पहुंचने का, कुछ बनने का, सही है, और जब तक वो वहां तक पहुंचता है तब तक दुनिया उसे पागल घोषित कर ही चुकी होती है, ठीक है, उस पर स्टैंप लग चुका होता है, लेकिन जब वो बन जाता है तब दुनिया ये मानती है कि ये हमसे आगे सोचता है। तो बीच के फेज में बड़ी दिक्कतें आएंगी, दुनिया भर का डिप्रेशन आएगा, सब कुछ होगा आपके साथ, ठीक, सब कुछ होगा, लेकिन चमकने के लिए पहले तपना होता है, इस बात को मेरी याद रखना है ना। लाइफ में ये मत सोचना कि आपकी लाइफ में कोई टफ फेज है या फिर कोई बात बुरी लग रही है, कोई भी बात आपको मजबूत बनाने के लिए है, रूटीन की चिंता मत करो, सांस सब ले रहे, रोटी सबको मिल रही है, हिमाचल में तो सबको मिल ही रही है ना, रोटी की तो कोई चिंता ही नहीं है, जिंदगी सिर्फ इस बात की लड़ाई है हम किस लिए जीते हैं। देखो आप पैदा हुए तो आपका मरना तय है, ठीक है, हम सिर्फ इसलिए जीते हैं, क्यों, मकसद क्या है जीवन का,
सांस लेना मकसद है, वो नहीं भी लेना चाहोगे ना तब भी ले लोगे, दो मिनट रोक के देखना, खुद ही ले लोगे, ठीक है। भूखा आदमी मेरे ख्याल से मैंने 42 दिन की सुनी है कि 42 दिन भूखा रहता है लेकिन उसके बाद बचता भी नहीं है आदमी। तो खाने और पीने की नहाने की ये सब की सोचनी नहीं, जीवन में विजन रखना है बड़ा। बड़ा कैसे, कि हमें जीवन में जो भी दायित्व मिले ठीक है उसका हम अच्छे से निर्वहन करें और इस धरती पर आए हैं तो एक सार्थक जीवन जी के जाएं। देखिए आदमी मर जाता है उसकी सोच और उसका नाम कभी नहीं मरता, है ना। आप महात्मा गांधी को आज भी याद रखते हो, आप मिले तो नहीं, कुछ उन्होंने आपकी मदद तो नहीं करी थी पर्सनली, कभी मिली मीटिंग का मौका नहीं ना। याद है, याद इसलिए है क्योंकि एक सार्थक जीवन उस योगी ने जिया। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जीवन में जहाँ कहीं भी पहुँचो, सही है, जरूरी नहीं हर कोई IAS HAS बने यार, ये थोड़ी ना है, बहुत कुछ है जीवन में, और जहाँ कहीं भी पहुँचो ऐसे जीवन जीना चाहिए कि आपको हमेशा लोग इस नाम से, अच्छे नाम से याद रखें और ये सोचें कि कोई व्यक्ति आया था उसने हमारे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो पैसे की लालसा किसी चीज की नहीं, सिर्फ जीवन किस लिए जीना है, दूसरों के लिए आप सार्थक हो पाओ। तो अगर आप, मेरे तो आपसे अभी कोई अनुरोध नहीं, मेरा अनुरोध ये है कि आपको सिर्फ एक काम दिया है, पढ़ाई का, आप पढ़ो, आप में से कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाओगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस बार 26 बच्चों ने प्रोत्साहन से दिया है मेंस का पेपर, ठीक, उनमें से कोई पद लग रहा है कि हो सकता है आप में से कोई, जब मैं DC बन जाऊँ तो आप ही SDM, तो अगर आप में से कोई SDM होगा तो मेरे लिए उससे ज्यादा कोई खुश नसीब की बात नहीं है, ना? क्यों, क्योंकि आपको मेरे लिए डेडिकेशन भी होगी। वो तो अलग फैक्टर है लेकिन मेरे को एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा। देखो हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं कि हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, सही है, शाम को जाके सब शीशा देखते हैं और खुद से कोई झूठ नहीं बोल सकता और अपना सच सबको पता होता है, उससे तो कोई नहीं बच सकता। तो खुद से आंखें मिला के सिर्फ अच्छे काम करने, दुनिया में कितनी भी बुराई हो, लोग कहते हैं हम प्रैक्टिकल हो गए इसलिए हमने बुराई पकड़ ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में हमेशा अच्छाई है हमेशा बुराई, सिर्फ अच्छे रास्ते पे आपको चलना है। और मेरा आज बस एक ही अनुरोध है कि अपनी मेहनत करके पढ़ लो।